इंद्रगढ़ गोरक्षक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने गौ माता को चिन्हित स्थानों पर दफनाने के लिए सीएमओ को दिया ज्ञापन। इंद्रगढ़ गोरक्षक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार दोपहर में सनातन रक्षा दल गोरक्षक प्रकोष्ठ ने नगरपालिका सीएमओ महेंद्र सिंह यादव को मृत गायों को खुले में न छोड़कर किसी चिन्हित जगह पर दफनाने हेतु ज्ञापन दिया। गोरक्षक प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अमन मिश्रा ने कहा कि मृत गायों को इंद्रगढ़ के आसपास की कोई जगह छोड़ दिया जाता है जिन्हें जानवर और पक्षी नोच नोच कर खा जाते हैं, अतः मृत गायों को दफनाने के लिए जल्द से जल्द एक जगह चिन्हित करेगी, अन्यथा संगठन के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में अमन मिश्रा, जिला अध्यक्ष नवीन कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष आनंद यादव, आनंद गुप्ता, शुभम गुप्ता, अंकुश कुशवाहा, रानू यादव, शिवम, प्रवीण, ब्रजमोहन, अजय, पवन, जैकी एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा, सनातन रक्षा दल गोरक्षा प्रकोष्ठ में प्रदेश युवा संगठन मंत्री हूँ और जिला में जिलाध्यक्ष का दायित्व है। आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आपने? आज अपनी जो गौ माता है, गौ माता को वही जो खत्म हो जाती है उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। जानवर उनको नोचते हैं, खाते हैं, जिन्हें पूछते हैं, जिन्हें अपनी माँ मानते हैं उनको लोग फेंक देते हैं और जानवर उनको खाते हैं। तो संज्ञान में सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है कि गौ माता के लिए एक जगह निश्चित की है उनको दफनाने के लिए। ये बहुत आवश्यक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी माँ है और ये हमारा धर्म है कि उनको एक जगह चिन्हित की है, हर जगह, हर तहसील, हर गांव में वो जगह चिन्हित की है, गाय माता को दफनाई जाए और जो गायें सड़क पर बैठती हैं उनकी व्यवस्था की जाए। कई हमारे यहाँ गौशालाएँ निर्मित हैं लेकिन गौओं की वहाँ व्यवस्था नहीं है। गौएँ चौराहे पर बैठती हैं, सड़कों पर बैठती हैं, पर डे घटना घटती हैं। हम लोग गौओं का उपचार करते हैं, पर डे हम कितना सहयोग करेंगे। साधन प्रशासन के क्षेत्र में आगे है, पर डे गायों की घटना होती है, इसलिए साधन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगें सुने और हमारा सहयोग करें।